বুঝলে? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। हाँ सर, आरंभ करिए। हाँ सर नमस्कार। समस्त को नमस्कार एवं शुभ संध्या। स्वामी विवेकानंद लोक संसद गंजाम जिला शाखा तरफ मु विश्वेश्वर महापात्र विवेकानंद युव संसद सह आवाहक आपण मान को स्वागत करुछि। गंजाम जिल्लार 28तम पाठचक्र जहार विषय वस्तु होउछि ओडिशा बजेट 2023-24 एक विहंगावलोकन। आज कार्यक्रम आम सहित सभापतित्व करिया पे अछन्ते गंजाम जिल्लार संपादक डॉक्टर पुरुषोत्तम सार को अनुरोध करिबे आज पाठचक्र सभापतित्व करिबे एवं तांकर अनुमति क्रमे वर्तमान मु अनुरोध करिबी मंत्र पाठ करिया पई श्रीजुक्त सुशांत कुमार पंडा महोदय को जे कि आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद जन आजीवन सदस्य से मंत्र पाठ करिवे। सुशांत कुमार पंडा सर नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ। ओ जबदारु धर्ममूर्ति प्राणमातानु धरम सर्ववेदांत सारं भक्तालां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वां तत्त्वं योगिनां हरिहर निमित्तं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्य पशुपति जा शाश्वत तत्व शक्ति बौद्धानां बुद्ध रूपं वृषभ जति वरं जैन सिद्धांत सारं सादेवं पातु नित्य कलि कुल गुहरं श्री नील शैलाधिनाथं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वर्तमान मु अनुरोध करिवि विवेकवाणी पठन करिया पई श्रीमान मनमोहन पल्लाई महोदय जे के विवेकवाणी पठन करिवि। मनमोहन पल्लाई जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ समस्त गुरुजन मानको मोर प्रणाम। मु मनमोहन पल्लाई विवेकवाणी पठन करिवको जाउछि। आगे चलो जदि तुम्हें किसी भूल कर देछ बोली भाबु थाओ तेबे मध्य पछ को फेर फेरी ना चाहो ना। वर्तमान तुम्हें कौन विश्वास कर जदि एही भूल गुड़ी को तुम्हें पूर्वरु न करी थांतो तेबे तुम आज जहा होइछि ताहा कौन होई पार थांता ताहले भूल गुड़ी को तुम्हें कल्याण कर धन्यवाद दियो से गुड़ी को आम अजाणतरे देवदूत होइछंती जंत्रणा मंगल हो भाग्यरे जहा आसीब सेथिपाई तुम्हें ख्यातिर कर नहीं आदर्श गुड़ी को भावरे धरि रख आगे चलो। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद मनमोहन पलाई। स्वामी विवेकानंद लोक संसद 28तम ई पाठचक्र जहार विषय थिला ओडिशा बजेट 2023-24 एक विहंगावलोकन। यह आरंभ हेबा पूर्वरु मु दीपद आम संगठन विषय रे कहिबाक चाहिबि। स्वामी विवेकानंद लोक संसद प्रथमे आरंभ हेथिला भद्रक जिल्लार मंजिरी रोड ठारे 1999 मसीहारु ए विवेकानंद युव संसद नामरे ताहा परिचालित होउथिला एवं एहा परवर्ती अवस्था रे 2012 मसीहारे स्वामीजींकर एही आदर्श को अनुप्राणित होइ ए आरंभ हेथिबा ए अनुष्ठान स्वामी विवेकानंद लोक संसद नामरे परिचित हला एवं एहा 2017 मसीहा परठारु एहा आहुरी विभिन्न कार्यक्रम गुड़िक करि चालिछि। वर्तमान तार विभिन्न सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन 6टी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान सारा ओडिशा रे कार्य करूछि। एहा एक सेवा मनोवृत्ति रखिथिबा एवं अणराजनैतिक अनुष्ठान जहा
छोटी जो संगठन भाव भाग सेगुड़ी है बौद्धिक विकास जुव विकास कला संस्कृति विकास ग्राम विकास साहित्य प्रकाशन और जोगाजोग और समन्वय यह छह भाग में विभक्त होती संगठन प्रत्येक संगठन ऑब्जेक्टिव हूँ लक्ष्य हूँ जे एक सुस्थ समाज गठन करवा बर्तमान यही संगठन 2020 मसीहा पर ठार ऑनलाइन पाठचक्र माध्यम रे सारा ओडिशा रे विभिन्न जिल्ला रे परिचित लाभ करिछि केवल ऑनलाइन पाठचक्र संध्यारे हो नहीं यह व्यतीत प्रत्येक दिन आध्यात्मिक विकास पई आमर बौद्धिक विकास पई योग सहित गीता कार्यक्रम कर प्रत्येक रविवार ग्रामीण विकास संगठन तरफ स्वास्थ्य शिक्षा एवं अन्यान्य विषय परिवेश भली अन्यान्य विषय मध्य गुरुत्व दे विभिन्न पाठचक्र गुड़िक क्रमगत भाव कर चलेछि एवं वर्तमान जहाँ पूर्वरु गोटे शिशु संगठन रे परिणत होता वर्तमान सारा ओडिशा रे गोटे विराट द्रुम रे परिणत हो पारिछि एवं एहा व्यतीत वर्तमान संगठन ओडिशा को छाड़ी आमर अन्यान्य राज्य को मध्य संप्रसारित होगापाई प्रयास चली रही सारा भारत रे एक विशाल संगठन जहा कि गोटे सुस्थ देश गठन करने सुस्थ समाज सुस्थ देश गठन करने प्रयास जारी रही तो यही संगठन विषय में मुझे विशेष किसी कहबी ना आम प्राय समस्ते परिचित संगठन विषय आज आम संगठन र ये जो 28तम गंजाम जिलार 28तम पाठचक्र वक्ता अच्छा आमर परिचित संगठन संगठन संपादक डॉक्टर चित्तरंजन नायक सर वर्तमान मु अनुरोध करी डॉक्टर पुरुषोत्तम सर साहू सर को जे कि आम गंजाम जिलार संपादक अच्छा से आज विषय उपर प्रारंभिक सूचना देवा सहित सारंकर अतिथि परिचय करिबा हेबे पुरुषोत्तम साहू सर धन्यवाद विशेष राय प्रथमे मु आज एही गंजाम जिला ई पाठचक्र रो जोग देथिबा विभिन्न जिल्लारु उपस्थित थिबा समस्त श्रोता बंधुगण को मु स्वागत करुछि आज गंजाम जिला पे एक सौभाग्य दिन कारण आज जो आलोचक डॉक्टर श्री चित्तरंजन नायक सर आज मुख्य आलोचक भाव आम सहित अच्छा तेणु भी स्वागत करुच्ची जो टॉपिक टी आज रखा जा मुख्यतः ओडिशा बजेट एक बिहांग लोचन जो थी कि आम चलित मास 26 तारीख गत दुई दिन तेज जो बजेट आगत होणु आज आम चिंता कलु आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद जार मूल लक्ष्य आम गंजाम जिला तो जो विषय रही व्यक्ति प्रकृति और प्रगति यह किभली राज्यर प्रगति रे आम ओडिशार बजेट कार्यकारी हो पार ताऊपर आम चर्चा करने आज यही टॉपिक टू को आम आलोचना को परिसर को नहीं एवं सौभाग्यवशत आम संपादक संगठन संपादक सार एथिरे सम्मति प्रकाश करेणु मुझे ये कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची गत दुई दिन तले ओडिशा अर्थमंत्री श्री तो निरंजन पूजारी जो बजेट आगत कर 2023-24 यह एक लोकाभिमुखी ओडिशार आगामी निर्वाचन को आखि रखी समस्त वर्गर लोक मानू संतुष्ट करने बजेट रे विभिन्न दिग्गति मुख्यतः कृषि स्वास्थ्य शिक्षा भित्तिभूमि विकास एवं अन्यान्य विषय प्रति गुरुत्व देखते महिला सशक्तिकरण जहाँकि आम आलोचना करवा आमर मुख्य आज जो प्रगति कथा ता कि भाव ओडिशार प्रगति में यह सहायक हो पार बजेट ता प्रति आम आम मुख्य आलोचक दृष्टिपात करेंगे ता पूर्व
बंधु विशेष कही सारे जी कि आज आम वक्ता अच्छा से होती आम पर जड़े अग्रणी सदस्य तथा मुख्य पुरोधा कहले अत्युक्ति हम ना सीता कर्ममय जीवन आरंभ करते रेवेन्सा विश्व जड़े पीजीटी टीचर हिसाब से केवी केंद्रीय विद्यालय सेप्टेम्बर 2002 रु 23 फेब्रुआरी 2010 पर्यंत एवं तत्परे सर रेवेन्सा विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर हिसाब से जॉइन कले 2010 रु 2022 मसीहा पर्यंत सर एसोसिएट प्रोफेसर हेले एवं वर्तमान सर एक नूतन दायित्व जहाँकि अध्यापनार सर्वोच्च पदवी जहाँ प्रोफेसर भाव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय 16 नवेम्बर 2022 रे योगदान करी तंकर कर्ममय जीवन को व्रति होती एत व्यतीत आम जानी एवं सारंकर जो प्रगाढ़ विश्वास रही संगठन को किभली भाव कार्यकारी करा जाए पारिबो तंकर प्रचेष्टा रे स्वामी विवेकानंद लोक संसद मंजरी रोड ठारी आरंभ रु जड़ित अच्छा एक मानस चिंताधारू संगठन आगे चली जो छोट संगठन आज सारा राज्यर विभिन्न 30 जिले में तार द्रुम विस्तार कर पारी सारंकर निष्ठा प्रतिष्ठा एवं प्रगाढ़ विश्वास जो सी सब मत कहे सौभाग्य अच्छी गंजाम जिले में गत करोना समय 2020 मसीहा अक्टोबर मसने मत कही पुरुषोत्तम भाई गंजाम जिले में यही कार्यक्रम को आरंभ करने मोर से दिन सब मन रहे कारण मुझे सब बड़े सारंक भली जुव शक्ति उपरे विश्वास करे एवं ता सारंक कथा को निजे ग्रहण करथिली एवं किभली भावे गंजाम जिले रे ए संगठन को आमे सुदृढ़ करि परबा ता चेष्टा करबा पे मु जारी रखिछि मोर प्रयास जो गंजाम जिले एक पूर्णांग हे परिछि एवं आज एही कार्यक्रम को सार बहुत थर मु अनुरोध करथिली कहबा पई किंतु विशेषतः आज बहुत खुशी विषय सार को गोटे उपयुक्त टॉपिक रे आलोचना करने आम ग्रहण अच्छा तेणु मु सार को आज कार्यक्रम को गंजाम जिलार स्वामी विवेकानंद लोक संसद परिवार तरफ स्वागत करुच्ची सार विषय जहाँ भी कहले कम हम आम मैंने समस्त जानते सी आम सदस्य एवं आम संगठन पुरोधा तेनाली विषय अधिक किसी कही मु समय नष्ट चाहे आज आम सौभाग्य सार आलोचना करेंगे आम सहित आज सांप्रतिक परिस्थित रे बजेट जो उपस्थापन विभिन्न दिग प्रति कि भाव गुरुत्व दि जा तार प्रभाव आगामी दिन में कि जनसाधारण पड़ो तेणु स्वामी विवेकानंद लोक संसद रो जो प्रयास रही जो प्रयास रही आम पांचटी अर्गान मध्यम आम सेवा विचारधारा मध्यम शिक्षार विकास एवं परिवेश रो विकास मो गाँ मध्यम गाँव रिकाश तथा आम सांस्कृतिक विकास उत्कल कला संस्कृति मध्यम जहाँ आम एक कार्यक्रम संगठन किभली भाव बजेट रो किसी कार्य को मध्य आम आम संगठन जरिया ग्रामांचल विकास में सामिल हो पारा तेणु मु विशेष समय ने आलोचना को अनुरोध करुच्ची डॉक्टर चित्तरंजन नायक सार को अनुरोध करुच्चर वक्तव्य उपस्थापन करेंगे आज आम बहुत खुशी आम संपादक आम ग्रहण अच्छा सर अनुरोध कर वक्तव्य प्रदान करेंगे सर्वप्रथम मु समस्त को प्रणाम करुच्ची सभारे मोर अनेक गुरुजन उपस्थित अच्छा गुरुजन उपस्थिति सर्वदा आशीर्वाद परिचायक थाए सेतिपाई मोपाई एक परम सौभाग्य माननीय सभापति महोदय गंजाम जिलार संपादक मोर अग्रज सदृश प्रिय पुरुषोत्तम भाई एवं सभा संयोजना करुवा श्रीमान विश्वेश्वर युव प्रतिभा समर्पित युव संसद लोक संसद पाई युव अध्यापक एवं मोर छात्र तेणु लोक संसद रे मु तो केबे अतिथि हे परिबिनि लोक संसद आम समस्त परिवार तेणु आज मोर परिचय होची मु जने
आलोचक हिसाब रे कार्यक्रम रे जोग दउछि। तबे जहाँ किछि ओडिसा बजेट विषय रे आलोचना करा जिवो बा मो द्वारा जो किछि मंतव्य रहिबो ताहा मोर निजस्व मत केही ताकु संगठन रो मत बोली भाबिबे नाही। मु अर्थशास्त्र रो जणे छात्र हिसाब रे बजेट को जेतिकी बुझी पारुछि ता प्रति मोर जो परसेप्शन रहिछि मु केवल सेतिकी शेयर करिवि। जेतेबेले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहिबो बा चैट बॉक्स मान रे जो आलोचना रहिबो चैट बॉक्स माध्यम रे सेतरे मध्ये आपण माने निज निजर मत व्यक्त करि परिबे जहाँ हम समस्तक पई शिक्षणीय रहिबो आलोचना रो सेया ही उद्देश्य थाए। तनो पाखापाखी 30 मिनिट समय रहुछि मोर विषय प्रस्तुति पई तनो विषय को शॉर्ट करिबा पई चेष्टा करिबे। बजेट विषय रे आलोचना जेतेबेले आमे करंती लंबा समय लागे मु खुशी जे मोर किछि छात्र मध्ये एठी उपस्थित अछंती जहांकु केबे मु क्लासरूम रे मध्ये तांक सहित इंटरेक्शन करिवार सुजोग पाइथिली। तनो समस्तक मु आउ थरे हृदयरु स्वागत एवं अभिवादन ज्ञापन करूछि। आमर ओडिसा बजेट 2 दिन तले 24 तारीख रे आमर विधानसभा रे अर्थमंत्री श्री निरंजन पुजारी से प्रस्तुत करथिले एवं बजेट रे किछि मिशाण फेडाण हुए आ किछि नुवा जिनिष आसे तनु प्रत्येक बजेट विषय रे आमे आलोचना कला बळे आमे से गोटे इनक्रिमेंटल अप्रोच रखंती कि गला थर केते दिया जैतिला एथर केते दिया गला से नंबर गुडी कर हिसाब करंती। किंतु बजेट मात्र गोटे लेखा जोखा नुहे कि केते आय आसला केते व्यय करा गला को सेक्टर को केते दिया गला ये सब माध्यम रे सरकारंकर नीति सरकारंकर जो दर्शन रहिछि जो विजन रहिछि जो अप्रोच रहिछि डेवलपमेंटल अप्रोच ये सब विषय रे आमे जानि पारंती एवं प्रकारांतरे ताहा देश एवं दशर भाग्य निर्धारण करे। तेणु से दृष्टि बजेट अति गुरुत्वपूर्ण प्रत्येक वर्ष जो आगामी जो वित्तीय वर्ष आसुची आर्थिक वर्ष आसुची जोटा 1 एप्रिल 31 मार्च पर्यंत जो समय रही से समय रे आमर आय व्ययटा को भली रहिबो गोटे आकलन केवल प्रस्तुत करा जाए। आमे जानंगे आमर घर प्रत्येक कार्यक्रम रे आमे गोटे गोटे बजेट प्रस्तुत करती आउ आम बजेट आ देश बा राज्यर बजेट भितर गोटे फरक होची कोन आमे सबबळे आम आय देखिक व्यय करती किंतु देश एवं राज्य जेतेबळे सेमानकर बजेट प्रस्तुत करती जोटा वैधानिक भाव में आगत करा जाए सेथरे प्रथमे व्यय गुडिक देखा जाए कि को को सेक्टर को आमे प्रायोरिटी दबा कोठी केते खर्च रहिबो ए सब प्रकार गोटे व्यवस्था बंदोबस्त आगे करा जाए एवं तापर केउठु से प्राप्ति गुड़िक आस आमे राजस्व प्राप्ति केते पाइबा एवं आमको जोगाड़ केते करिबाकु पड़िबो लोन केते करिबाकु पड़िबो तेणु ए सब विषय रे गोटे आकलन करा जाए। से दृष्टि रु ए वर्षर जो बजेट हैला से बजेट रे आमे सर्वप्रथमे आलोचना आरंभ करिबा कि आमर जो वित्तीय प्रबंधन आर्थिक प्रबंधन इंग्रजी ताकु आमे फिस्कल मैनेजमेंट बोली कहउछंती आउ सेथरे डिसिप्लिन केते रिफ्लेक्ट होउछि सेटा को आगे देखिबा। डिसिप्लिन अर्थ आमे अधिक आय बहिर्भूत व्यवस्था किछि करि नहांती तो ऋण करिकि लोकमानकु घिओ पिएबार जो आमे स्वप्न देखै नहांती तो एभलि किछि प्रश्न सर्वप्रथमे आसे। से दृष्टिरु आमे देखिले जो फिस्कल डिसिप्लिन रे आम राज्य दीर्घ दिन हेबो माने 2005-06 रु गोटे भल परफॉर्मिंग स्टेट हिसाब रे देश रे सुनाम अर्जन करछि। 2005-06 रु ओडिसा तार जो ऋण अछि से ऋण को नियंत्रण रे रखिया पई प्रयास करछि एवं अनेकांश रे सफल होइछि। बड़ बड़ राज्य जेंति पंजाब वेस्ट बेंगल महाराष्ट्र एवं गोटे लीडिंग स्टेट केरल एभली राज्य मानक जो अनेक गुड़िया फिस्कल डिफिसिट जो डेट बर्डन ये जो अधिक मात्रा रे बढ़ी माने ठीक भाव मैनेज किंतु ओडिशा को श्रेय दिया जाए ओडिशा गोटे बहुत ही भल फिस्कल परफॉर्मिंग स्टेट हिसाब से विगत जो 16-17 वर्ष मु प्रथम 4-5 वर्ष कथा को बाद दौर जो
लगातार टर्म एंजॉय करुचंती तेणु चार पांच वर्ष स्ट्रगलिंग थिला तापर पांच छह पर ठारु अनेक सुधार आसी देखिबा पई हेले हमको किछि इंडिकेटर देखिबा को पड़िबो जे प्रकृत रे को जगह रे कोन परफॉर्मेंस रही छि तो हमरो जो देशरे गोटे एक्ट करा गला कि अनेक सरकार डिसिप्लिन फॉलो करू नहंती गुडे डेफिसिट कर दउचंती तो एफआरबीएम एक्ट गोटे करा गला 2003 मसीह रे केंद्र सरकार द्वारा फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट से एक्ट रहिला कि अमर जो फिस्कल डेफिसिट से 3% ऑफ जीडीपी रे लिमिटेड रहे अमर जो सकल घरेलू उत्पाद जो रहोजी घरोई उत्पाद माने आमे वर्ष करे जत्ते सब गुड्स प्रोड्यूस करूचंती फाइनल फॉर्म रे तार मोनेटाइज वैल्यू केते से जति की होची ताको हम जीडीपी कहउचंती तनु तार 3% रु अधिक होबो नै अमर जो राजस्व अमर जो फिस्कल डेफिसिट जोटा वित्तीय घाटा बोली आमे कहउचंती एवं धीरे धीरे गोटे रोड मैप रखा गला 2009 पर्यंत आमे अचीव करबा तापर राज्य मानको कहा गला जे तमे भी समस्ते एको फॉलो कर कारण केन्द्र गोटे डिसिप्लिन फॉलो करबो राज्य जति न करबे ताहले तार मध्य नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ी इन यार नेगेटिव इम्पैक्ट कौन पड़े ना यार अनेक गुडी रिसर्च स्टडीज एक कथा कहउचंती जे या द्वारा इन्फ्लेशन हो जाए जदि सरकार अधिक खर्च करबे तांको आय बाहर को जाई कि ताहले दरदाम सब बढ़ी आउ सरकार जतबेले ऋण करिवे सरकार केमती को ऋण करिवे ना बॉन्ड बिक्री करिवे एवं सिक्योरिटीज बिक्री करिवे तो जतबेले बिक्री करिवे ताले लोकों कठारु ही तो पैसा टा नेबे तनु बैंक माने भी लोकों कठारु ये जो अमर कॉर्पोरेट सेक्टर से भी लोकों कठारु नेबे सरकार भी लोकों कठारु नेबे तनु जो टंका लोकों कठारु नबार जो डिमांड टा बढी जिवो बढीले कोन होबो ना सुध दर गुडा बढी जिवो सुध दर गुडा जति बढी जाय ताले इन्वेस्टमेंट कम हो कारण लोक लोन आणिकी सेया को तो इन्वेस्ट करिवे जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक थाय ताले से बेसी आउ लोन आणिबे नाही तनु इन्वेस्टमेंट कम हे छ तनु ए सब ने इन्वेस्टमेंट कम हेले इनकम कम हे छ एम्प्लॉयमेंट कम तनु तार किसी कु प्रभाव मध्य रहि छ किंतु ये गोटे थ्योरी अन्यन थ्योरी मध्य रहि छ आ गोटे थ्योरी जोटा को हमर बामपंथी बंधु माने अधिक समर्थन करंती से कोनती नाही ने जदि सरकार लोन करिकि तार प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जदि बढांती जोटा एमती रास्ता घाट स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल एमती सब माने प्रोडक्टिव सेक्टर रे से जदि खर्च करंती ताहले सेथुरो आय बढ़िबो एवं सरकार जो ऋण करंती से ऋण रो सुध परिशोध करबा सहित देश को आउपरे आगु को नै जाय पारि तनो कॉन्ट्रैक्टिंग माने कॉन्ट्रास्टिंग व्यू ता पई अछि जा भी हो केंद्र सरकार राज्य मानन को कहले जे तमे भी एमिति प्रबंधन कर तनो राज्य माने कले आ ओडिसा 2005 मसिहारे ताकु लागू कर देला ता पर ठारु से जो 2005-6 मु जो कट ऑफ ईयर कोची ता पर ठारु हमर स्थिति रे लगातार सुधार हे छि से एक्ट एक कथा भी रहि छि कि गोटे राज्य केते लोन करबो तनु सिति पई गोटे लिमिट करा जाय छि राज्य तार जो राज्य रो उत्पाद रहि छि चीन और रोम सो तांके साम्राज्य रो वाणिज्य संपर्क छिला एडमिन के हेल्प करंतु के टिके अनम्यूट हे जाउ छथि तांको के ध्यान रखिबे तो जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रही मैंने राज्य जी उत्पादन रोच मूल्य रोच मेजरमेंट सब वर्ष कराए तार 25% रु अधिक लोन करेंगे ना मानने आकुमुलेटेड डेट जी हम जो कर्ज से जीएसटीपी 25% रु अधिक करेंगे ना एबे जो आमर इकोनॉमिक सर्वे ओडिसा आगत करा गला बजेट पूर्व दिन गोटे आमर इकोनॉमिक सर्वे माने कोन परफॉर्मेंस रहला लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर जाउची आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर तार गोटे परफॉर्मेंस रिव्यू करा जाए इकोनॉमिक सर्वे केन्द्र रे भी करा जाए राज्य रे करा जाए आमर राज्य रो जो इकोनॉमिक सर्वे करा गला जो रिपोर्ट अर्थमंत्री आगत करथिले सेतरे से कहले कि आमे पूर्व वर्ष रो जो डेटटा 97037 कोटि टंका 0.68 मु ताको इग्नोर करूची धरंतु 97000 कोटि टंका रो हमरो टोटल डेट हैला तनो ताको जदि हमें जीएसटी पर परसेंटेज रे देखिबा ताले सेटा होची 12.67 12.67 त माने 25% टारगेट जोटा हमरो आकलन करके देखा जाय छी कि ता भीतर जदि रहूची ताले स्टेट ताको गोटे फिस्कली डिसिप्लिन स्टेट बोली धरा जीवो ताले से दृष्टि रु ओडिसा
केबे भी ए जो लास्ट सेवरल इयर्स रे 25% को केबे भी टच करे नाही से दृष्टि रु ओडिसा को गोटे गुड फिस्कल परफॉर्मर बोली कहा जाए एवं लगातार एटा कमी कमी चली छि एज परसेंटेज ऑफ जीएसटी पे तो ये श्रेय जते बड़ दिया जाउ छि गोटे राज्य को तापरे ग्रे एरिया किछि रहउ छि मु आपण मानको ध्यान आकर्षण करबी हमर जो फाइनेंस कमिशन तो फाइनेंस कमिशन से जो तंकर गोटे रिव्यू गोटे दैछन्ति से रिव्यू रे 2021 रे माने 20 मसिया डिसेंबर समय रे तंकर जो हमर 15th पंचदश आर्थिक आयोग जो रही छि फाइनेंस कमिशन रो कथा समस्त जानन्ति जे केंद्र राज्य भितरे जो टैक्स रो आवंटन केमति होबो आ केंद्र सरकार जो ग्रांट देबे स्टेट मानंकु से को फार्मूला रे को बेसिस रे देबे ता पई गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होची हमर फाइनेंस कमिशन जहां राष्ट्रपति नियुक्त करंती से सब विषय अनुध्यान करके रिकमेंडेशन दियंती नॉर्मली फाइनेंस कमिशन रो रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार मानंती एवं से आकार रे से आधार रे राज्य मानु को माने अनुदान दिया जाए एवं टैक्स तो केते बंटन करा जीवो ताकु मध्य से फार्मूला अनुसार दिया जाए तेणु आम जो पंचदश फाइनेंस कमिशन जो रिपोर्ट दिये पूर्व सब स्टेट मानक भिजिट करती स्टेट मानक एडवाइज करती फाइनेंस कमिशन रहा स्टेट मैंने मानते कहीं से फर्मुला डिसाइड करेंगे तेनाली से कौन प्रायोरीटी सेक्टर गुड़ा सब कहीदेला राज्य सीता को फलो करने को चेस्टा करती तेनाली फाइनेंस कमिशन जो भिजिट करते आम ओडिशा को से समय से ओडिशा को अप्रिशिएट करथिले कि आपण फिस्कली भलो परफॉर्म करचोंती किंतु प्रॉब्लम एरिया आपणकर कोन ना आपण वर्स्ट परफॉर्मर होचोंती सोशल सेक्टर रे ने वन ऑफ द वर्स्ट ओ केमिति ना हमर मातृ मृत्यु हार मैटरनल मोर्टालिटी रेट हम जोटा कहचोंती 1 लाख जेतेबेले जीवंत शिशु जन्म होंती ता सेय समय रे प्रसव समय रे माटी मृत्यु हो जाए मैटरनल मोर्टालिटी कहते तेणु 1 लाख रे ओडिशा रो वर्तमान से 150 को कमी फास्टर डिक्लाइन किंतु 150 रे वर्तमान अच्छी जोटा कि माने नेशनल एवरेज हूँ 113 तेणु ओडिशा से जगह बहुत पछरे अच्छी जदिओ सुधार कर चली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी आम केरल से आसिक 8 तल को मानते पहुंचला किंतु ओडिशा रे एबे भी ए गला वर्षर कथा रे 36 रे रही छि 1000 जीवंत शिशु जतले जन्म होउछन्ति से माने ता भितर 36 जन मृत्यु माने जन्मर किछि मास भितर से मानकर माने 1 इयर पर्यंत इन्फेंट कह जाय 0 रु 1 पर्यंत ता भितर तंकर डेथ हे जाउ छि तनो एई गुडी को जो रही छि गोटे राज्य रो हेल्थ इंडिकेटर कोन अछि ताकु जानबा को हेले हम एई गुडी को आगे देखंती कि शिशु माने जे आज जन्म होउछि तार बंचिबार संभावना केते रहिछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमरो कम रहिछ हमें केरल भली राज्य संगरे मिजोरम भली राज्य गोवा भली राज्य एमानक संगरे कर्नाटक तमिलनाडु कंपेरेबल फर्स्ट स्टेज रे हमें नहलती हमर कंपैरिजन होछि यदि मध्य प्रदेश संगरे होछि छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान एभली राज्य मानक संगरे होछि एवं ता भीतर मध्य हम गोटे लिस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रे अछन तण फाइनेंस कमिशन जतबेले आस्तिले से ए कथा उपरे सचेतन करथिले आ गोटे कथा कहथिले कि आपणकर एजुकेशन रे आपणकर परफॉर्मेंस माने आपणकर जो लिटरेसी रेट रे ओडिसा रे लिटरेसी रेट से आगे चली छि जे तोले 2021 ले 77% क्रॉस कर सकथिला आ तापरे लर्निंग आउटकम जति इवैल्यूएट करा जाय सेथरे मध्ये आपण भलरे अछंती आपणकर ग्रेजुएट अचीवर्स तेमानक संख्या पडि चली छि भलो चली छि किंतु गोटे आश्चर्य प्रकाश करथिले कि आपणकर पीपल टीचर रेशियो पीपल टीचर अधिकांश शिक्षक बंधु अच्छा से माने निश्चय जानते टर्म रो मीनिंग कौन छात्र शिक्षक अनुपात कि आपणकर गोटे नेशनल एवरेज तुलन रे आपण बेटर अच्छा माने पर टीचर केते पीपल अच्छा से हिसाब से आपण भल अच्छा किंतु आपणकर एजुकेशनल एक्सपेंडिचर बढ़ू ना कहीं माने टोटल एक्सपेंडिचर जो रेट जोटा अच्छे तार ग्रोथ न करमी करतेटा प्रश्न सृष्टि करें जानती अन्य राज्य तुलन एक विचित्र व्यवस्था जो कि पारा टीचर मान संख्या अधिका एवं शिक्षा सहायक दरमा दि जाए शिक्षक को डाटा देखे दि जाए कि शिक्षक संख्या अच्छी किसी एक्सपेडिचर ग्रोथ हो
से जगह से प्रश्न चिन्ह करी फाइनेंस कमिशन जाए गोटे कथा कहते कि ओडिशा जो अर्बन डेवलपमेंट रही अर्बन डेवलपमेंट पारामीटर रे ओडिशा गोटे लिस्ट अर्बानाइज स्टेट अच्छे आमे गाँव रहा कहते आम लोक संसद में मो गाँ बोली गोटे फोरम या समस्ते गाँव को भल पाते किंतु एटा गोटे सत्य मध्य अर्बानाइजेशन रो ग्रोथ आउ इकोनॉमिक ग्रोथ भितर गोटे भेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन अच्छी आज भी भारत बर्षर जीडीपी षाठी प्रतिशत कोड़े टी मात्र सिटी रु जो मेगा सिटी अच्छी से जगह जेनेट हो तेणु अर्बानाइजेशन को एक्सपेडाइट करूँ से विषय में गोटे सजेसन मुझे सब कथा कहीं कहूँ जे बजेट को जिते आम इवालुएट करवा प्रथम कहली कि अमुक सेक्टर इतनी बढ़े दिगला से सेक्टर कमे दिगला ये नंबर गुड़ाक विषय में एनालिसिस करदे बहुत किसी कथा स्पष्ट हुए ना तेणु मुझे गोटे पारामीटर नौची मुझे फाइनान्स कमिशन रो सजेसन जो रिव्यू थी 2020-21 विषय अवगत कर से पारामीटर रे आदि आउ गोटे पारामीटर देखा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विशेष जीवन समय अभाव कारण तेणु ये विषय आम बजेट के मानने प्रदर्शन कर देखा आउ गोटे कथा कहते कहले आ गए डेवलपमेंट इंडिकेटर हिसाब से आम आजिकल जज करुचु कि गोटे राज्यर पाइप वाटर रूरल एरिया पेनेट्रेट कला कारण अर्बन एरिया अलमोस्ट पाइप वाटर हो गला कि आम वाटर सप्लाय जो सीवरेज मध्यम मानते आसूचे जो पाइप वाटर आसूचे दैट्स ओके किंतु रूरल एरिया पाइप वाटर प्रतिशत के तो से जगह से समय जहाँ 3 वर्ष तलर स्टाटिस्टिक्स को सैट कले कहे मात्र 4% ओडिशारे जोटा कि नेशनल एवरेज हूँ 18.3% विलेजेस को विलेजर्स मैंने रूराल हाउस होल्डस मैंने यूज करूँ पाइप वाटर किंतु ओडिशा रे मात्र 4% तेणु से जगह आपड़ किसी कम करते देखो जिते बड़े फाइनेंस मिनिस्टर छिड़ा होती फाइनेंस मिनिस्ट्री अच्छी से रिव्यू करोटे गोटे पारामीटर को देखुं कि कौ जगार आम के कौन इंटरभेनसन करवा तेणु से हिसाब से करेणु मुझे कथा कहली फाइनेंस कमिशन ये बेसीस बजेट्रे कौन है से विषय आपण सहित किसी आलोचना रखापी मुश्चय पसंद करेंगे फिस्कल डिसिप्लिन कथा जो आसला डिसिप्लिन प्रथम कहली ओडिशा को तो अप्रिसीएट करा जाए कि विषय प्रथम आम देखीद प्रथम कथा हूँ कि आमर एक बर्षर जो टोटल एक्सपेंडिचर जो रखा जाए सी हूँ 2,30,000 कोटी टाइम गला वर्ष पाखापाखि 2,00,000 कोटी टाइम थी तेणु 15% एक्सपेंडिचर हाइक एथर सजेस्ट कर तेणु जो 2,30,000 कोटी टाइम खर्च हम तेटा आसव कौट रिसीट जो हूँ दि प्रकार रिसीट गोटे रेवेन्यू रिसीट मान राजस्व प्राप्ति तार अर्थ हूँ बिना लोन रे संपत्ति किसी बिक्री न करी जो आम जो ओबियस वे रे जो सब आसूस प्राप्ति जमी टैक्स रु आसूच सरकारी कंपनी मान जो पैसा आसूस रयाल्टी आसूची ये सब गुड़ा राजस्व प्राप्ति तेणु राजस्व प्राप्ति हूँ 1,84,500 कोटी टाइम आ माइनस कर दिखा तो टोटल एक्सपेंडिचर रु आउ जी रहा 45,500 कोटी टाइम से हम बरई आम यही बर्षर उधार टी कन्फ्यूज कहीं हेनी मुझे डेट कथ आगे कही बरई कथ कहली डेटा हूँ गोटे आकुमुलेटेड ये पर्यटन के यही वर्ष के उधार से बरई तेणु बरई आम रिश्चाश कोटी टाइम तेणु ये जो सरकार बरोइंग लिमिटा को कम कर बेसी अमाउंट नुहे आमर पूर्व जो कथा कहली कि टोटल डेट मध्य जो आमर जीएसटीपी मात्र 12.67% अच्छी नेशनल आवरेज तुलन ये गोटे बड़ फिगर नुहे से ओडिशा को एप्रिसीएट कर किंतु ये देखा ये अचीवमेंटा केमी हो पारे दि तीन टा कथा मुझे कहि प्रथम कथा हूँ फाइनेंस कमिशन गोटे अलर्ट मानने जो रिकमेंडेशन करते स्टेट मान को शेयर 32% रु 42% को बढ़े देते तेणु सेंट्रल शेयर जो आसा पूर्व ठारू बढ़ी जाइए आउ ग्रांट्स केंद्र सरकार ओडिशा जदि कहते कि आमको परसेंटेज जो शेयर आमको कम दि जाए वैमातृक मनोभाव पोषण करुंतु से कथा नुहे सेंट्रल ग्रांट्स प्लस टैक्सेस माने ये जो शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल टैक्सेस से बढ़ी पूर्व तुलना फाइनेंस कमिशन फॉर्मूला कारण द्वितीय कथा हूँ
ओडिशा पाई गोटे एटा को आपण माने विचार करिवे जे आमर गोटे अछि जो माइन्स माइनिंग डिस्ट्रिक्ट गुडा सब रहिछि से माइनिंग डिस्ट्रिक्ट रे आमर गोटे रहुछि जे आमे सेठी गोटे फंड से जेनेट कर शाह कमिशन ओडिशा को आसते से समय से देखिले जे अनेक गुड़े इलीगल एक्टिविटी रही आउ जो माने माइंस ओनर से माने सब जहाँ को लीज दि जाइए सी जो एनवायरमेंटल क्लॉजेस सब वायलेट कर स्टेट राजस्व को राजस्व बहुत बड़ हानि होती तेणु से कहले गोटे गोटे फंड आप रखु आरबीआई रे आपठी रखु से फंड टा आपणकर आरबीआई रे रखिले तार गोटे इंटरेस्ट अमाउंट रखे फंड टा केमिति हबो ना एई माने तांकर जो पेनल्टी आकार रे हो से मानकर चार्जेस आकार रे हो सेठी रखिबे आ कोविड समय रे गोटे रिलैक्सेशन कर देले कि स्टेट मानकर जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ी जिवो सेति पई से कोन करिवे सेई फंड रो लोन आनी सेटा गोटे ह्यूज फंड पाखापाखी 12,000 crore टंका रे गोटे कैश अकाउंट आरबीआई रे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एठ कलेक्शन करके रखा जाइछि स्टेट को जतोले पैसा दरकार पड़ छै सेठी कम सुधार रे सेटा को नहीं जाऊ से अर्थटी को नहीं आस पारे तेणु तो मार्केट बरोइंग ओडिशा राज्य बेस करूना जेहेत तो मार्केट बरोइंग बेस करूना से आम इंटरेस्ट रेट टा कम रोचे आमर ये सुध जो आउटपुटा जो बरोइंग टा रोचे सी कम रोचे तेणु ये गोटे कथा तेनालीराम कथ हूँ सहीटा तो क्रिएट कर जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मिनेराल डिस्ट्रिक्ट गुडा तार डेवलपमेंट खर्च कर उद्देश्य यह ना कि पब्लिक फाइनान्स मैनेजमेंट यूज करवा किंतु जेहेतु गोटे आमको लिबर्टी से मिल जाइला राज्य से विशेष किसी यूज करु प्रश्न आसूची जो पर्पज पाई रखा जाए पर्पज आम यूज कर कहीं तेणु सेयर इन सेंट्रल टैक्सेस एथर 46,251 crore टंका ग्रांट्स फ्रम सेंट्रल जो 32,769 crore टंका तेणु 46, 32, 78, 79,000 crore टंका आमर केंद्रीय अनुदान या भितर आसूची जो 2,30,000 crore टंकार आम जो बजेट आम प्रपोज करुँच बरोइंग रहा 45,500 crore टंका रिमेनिंग जो रोचे हूँ आम स्टेट ओन रेवेन्यू रोचे सहित जो टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू सब मिसिकी रोचे तेणु सेंट्रल रोके मान जो शेयरिंग आम रॉयल्टी इनकम फ्रॉम मिनरल्स एंड माइंस जो एनडीए गवर्नमेंट केन्द्र आसवा पर मोदी 1.0 जो गवर्नमेंट आम कहते से समय जो माइनिंग पॉलिसी रे चेंज होता रॉयल्टी रे जो इनक्रीज मान प्रवीण भाई को म्यूट रही प्रवीण भाई तेणु ये सब कारण पब्लिक फाइनेंस सेंट्रल पॉलिसी एवं आमर निजर ओन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब कारण भल अवस्था अच्छा से ओडिशा को नंबर वन फिजिकली परफॉर्म स्टेट बोली केतेक एनजीओ मध्य रेट कर बाकी बॉडी माने अप्रिशिएट कर किंतु बाकी जो पारामीटर गुडा मु सब कहूली ता भितर हेल्थ पारामीटर कथा आगे आसुथिले तेणु से हेल्थ रे आमर परफॉर्मेंस कौन रहिला से विषय रे हमें सामान्य आलोचना करी नबा समय सरी आसुची मु टिके स्पीड करूची हेल्थ सेक्टर रे ए वर्षर आलोकेशन होची 16,048 crore टंका जोटा पूर्व वर्षर आलोकेशन थारु 27% अधिका आमे गोटे मोटामोटी जदि करिबा मोट बजेट गलत बजेट एक्सपेंडिचर जोटा करा जाय छी टोटल एक्सपेंडिचर गला वर्ष जहाँ 2,00,000 crore टंका एथर 2.3 lakh crore अर्थात 15% हाइक है तेणु 15% रु अधिक हाइक जो जगार होती से सेक्टर गुड़ा सरकार प्रायोरीटी देखते आमको गोटे रफली बुझाक पड़ो तेणु हेल्थ सेक्टर में 27% हाइक कर हेल्थ रे जो खर्चटा करेंगे से खर्च कौ कौ जगार करेंगे ता विषय में गोटे देखा मुख्य जिनस बिंदु के टच करुच्ची प्रथम कथा हूँ से 147 हेल्थ फैसिलिटी सेंटर जो रोच सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये सब रोच सब डिविजनल हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल को ट्रांसफॉर्म करा जिवो यानी मॉडर्नाइज करा जिवो 147 crore टंका बजेट दि जाइए कि हेल्थ जो क्वालिटी अपग्रेडेशन करा जिवा पाई 5,000 नूतन डाक्टर नियुक्ति करेंगे कि पूर्वर एफआरबीएम से सब दौले कि आमर केते डाक्टर अच्छा केते वैकेंसी अच्छी केते टीचर अच्छा यूनिवर्सिटी स्कूल वैकेंसी दौले ये 2 वर्ष 3 वर्ष हम आउ इकोनॉमिक सर्वे से
तार फिस्काल रेस्पोनसिबिलिटी बजेट मैनेजमेंट रो जो परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रे आगु दोथिले ताको आजकल दोना कारण एथरे इकोनॉमिस्ट माने पॉइंट को धरिले कि आपण एते उडे वैकेंसी अछि तो ए वर्ष से वैकेंसी देखंतु 5000 डॉक्टर पोस्ट रो वैकेंसी तो आप तो पुणे आउरी रिटायर कर छी आउरी नंबर बढ़ी जीवो एते गुडे वैकेंट पोस्ट आज पर्यंत रखिथिले ताको एथरे फिलअप करबा पई उटे रखा जाय छी हुए तो निर्वाचन रो पूर्वरु संपूर्ण बजेट से जगह न कले अधिक किसी समालोचना सहवाक पड़ी था जहाँ भी हो जहाँ अचीव होप्रिसीएट कर सरकार जहाँ प्रावधान करुँचंती प्रकृत में खर्च कर दिखती निश्चय गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप हे एवं स्कूल रे सेमती टीचर रिक्रुटमेंट सब वर्ष करते कि टीचर रिक्रुटमेंट उपर पूर्व स्टेटमेंट दे सारी फाइनेंस कमिशन पचारिंटी कि तुम्हारे टोटल एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन कहीं बढ़ू ना कारण पारा टीचर रिक्रुटमेंट कर टीचर स्किल दि जाऊनि तो से टीचर रिक्रुटमेंट एथर कि बजेट प्रपोजाल रखा जाइए तेणु एजुकेशन सेक्टर में आ स्किल डेवलपमेंट एक मिसेकि एथर दि जाऊँगी 30,030 कोटी टाइम एटि गलाथर दि 27,324 कोटी टाँचा अर्थात एटी राइज कर 10% मुझे कहली 15% रू जब अधिक आलर्ट करते बेटर बोली मैं से सेक्टर को प्रायोरीटी रखिंट कितु ताकि कम आलर्ट करते प्रायोरीटी नुह प्रायोरीटी ना बोली आम कह तेणु एजुकेशन सेक्टर को से जो आलोकेशन कर 10% रू 10% पाखापाखि हाइक से भितर अधिक हाइक कर स्कूल एजुकेशन को से जगह कर जो आदर्श विद्यालय को किसी पैसा दिजा सहित तो ये जो 5T स्कूल कर 5T स्कूल को फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये भाव से गोटे से रोडमैप तैयारी कर जगह आम कि अधिक खर्च दब कि हायर एजुकेशन सेक्टर में आलोकेशन अधिक कर एजुकेशन को फोकस बोली जब सरकारी स्तर में कहुचा संपूर्ण भाव ग्रहणीय नुहे आउ गोटे सेक्टर जो सेक्टर कथा रही है कि आमर जो पाइप वाटर जो जगह जो गोटे डेवलपमेंटल इंडिकेटर हिसाब से आजकल नि पाइप वाटर टू रूरल एरिया से जगह मैसिव हाइक कर फिगर देखुली 57% पाखापाखि हाइक से फाइनेंस कमिशन रहा न मानले आर थर को आलटमेंट कम हो तेणु से जगह छाट टीए पड़ी से दृष्टि से गोटे डेवलपमेंटल सेक्टर से जगह खर्च कर तेणु सोशल सेक्टर में सबकि देखा मोटामोटी भाव कि प्रायोरीटी हेल्थ सेक्टर को दि जाए जो जस्टिफाइड स्वागत योग्य पाइप वाटर रूराल ड्रिंकिंग वाटर ये सब जो आलटमेंट करा स्वागत योग्य आउ गोटे जिनस जोटा आमर जो इनफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रोचे रोड ब्रिजेस आउ रेलवे एयरपोर्ट ये सब सरकार गोटे मैसिव हाइक कर केंद्र सरकार केंद्रीय बजेट जो आम देखे से 33% राइज से करते कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब आठ राज्य सरकार 34% हाइक कर इनफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उपरे तेणु 14,454 कोटी रु 19,452 कोटी टंका पाखापाखि 5,000 कोटी टंका एडिशनल अलॉटमेंट करा जाय छी आपे तेणु एथरे अमर आज गंजाम जिले में आम पाठचक्र कर रंगे लुंडारे जो एयरपोर्ट हवा को जाऊँगी आमर कोरापुट जयपुर तो ये 5 तारीख में मुख्यमंत्री इनागुरेट करेंगे ये भाव में शुणा को मिलू तेणु नुआ नुआ एयरपोर्ट मानकर टी कायाकल्प किसी आसब ता सहित केतोटी रास्ता डबल लेनिंग करेंगे केतोटी रास्ता को फोर लेनिंग करेंगे ये भाई किसी तार डिटेल लिस्ट आसी जाटा कौन से करने मान सरकार चिंता करेणु इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट यहाँ गोटे भल जिन कि देखिए जो एमाउंट आसूस 19,500 कोटी टाँचा ता सहित अर्बन डेवलपमेंट को पाखापाखि 9,000 कोटी टाँचा जब मिसेबे 23-24 हजार कोटी टाँचा रोचे आमर जो कैपिटल इनवेस्टमेंट जोटा कि डेट एमाउंट जो डेट कर मानने जो ए वर्ष जो बरोइंग जो एडिशनल बरोइंग ए वर्ष जो प्रपोज कर 45,000 कोटी टाँचा जदि 45,000 कोटी टू अधिक इनफ्रास्ट्रक्चरल कैपिटल एक्सपेंडिचर करें बहुत स्वागत करते कहीं या द्वारा ग्रोथ अधिक हम इकोनोमिक्स गोटे रूल कहूँ जब इकोनोमिक ग्रोथ रेट टा इंटरेस्ट रेट ठार अधिक अच्छी ताहले लोन करिबा किसी भूल कथा नुहे किंतु जदि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट ठार कम रोचे असुविधा
तेणु ग्रोथ रेट से अधिक हम जदि आम जो इनफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अधिक खर्च कर दृष्टि सरकार प्रयास प्रशंसन 34% हाइक ये किंतु आमको आतोटी जगह कतोटा जिनस कर हाँ पुरुषोत्तम भाई मुझे देख ली सूचना पाइली तेणु बर्तमान किसी प्रश्न भी थी से प्रश्न को आम नवा मुझे आलोचना को बर्तमान मो तरफ रखुच्छी प्रश्न अपेक्षा रखुच्छे तेणु धन्यवाद गीत भाई बर्तमान आम विशेष संयोजक महोदय को अनुरोध करुच्ची जहाँ चैट बॉक्स रे किसी को प्रश्न आसी उपस्थापन करने उपस्थापन करेंगे धन्यवाद सर चैट बॉक्स रे किसी क्वेश्चन अच्छी अरुण कुमार त्रिपाठी सर गोटे क्वेश्चन रखी जे बजेट प्रस्तुति किभली करा जाए क्यों सब व्यक्ति विशेष रहंती तथा गोपनीयता किभली स्थिरीकृत करा हुए से विषय रे किछि कहिबे राजनीतिक प्रभाव रहे ना नहीं से विषय रे किछि कहिबे सर राजनीतिक प्रभाव राजनीतिक लोक माने तो जे तैयारी करंती फाइनेंस मिनिस्टर तो जने राजनीतिक व्यक्ति एवं सरकार प्रायोरिटी अनुसार बजेट तैयारी करा जाए और सरकार को डेमोक्रेटिकली लोक इलेक्ट करती तेनाली पॉपुलर जो विश रिफ्लेक्ट हुए गोटे क्लेम थाए क्यों माने प्रस्तुत करती वित्त मंत्रालय जो अधिकारी माने रही बिल्कुल सेप्टेम्बर मसरू प्रस्तुति आरंभ हो जाए एवं से माने प्रथम पूर्व वर्ष रो बेस नहीं जाती कारण आम तो जीरो बेस्ड बजेटिंग हो नहीं कि आम पूर्व गुडा को किसी देखनी सीधा सड़क ये वर्ष इंक्रीमेंटल बजेटिंग नॉर्मली करा जाए तेणु से हिसाब से जो वित्त मंत्रालय अधिकारी मैंने करती गोपनीयतार कथ जो कथ रोचे ना सरकार आजिकल पब्लिक कनसल्टेसन कर लोक मान राय मगुच्चे वर्ष भी फाइनेंस मिनिस्टर कहले 1000 कतटा मत पाला से बेचना कले के करते न करते अलग कथ कि कनसल्टेसन प्रोसेस करा जाए गोपनीयता अर्थात बजेट डॉक्यूमेंट रे कौन रही से एक्सप्रेस करा जाए ना किंतु प्रोसीजर रे लोकन को पार्टिसिपेट करिया पे एक्सपर्ट मान को इकोनॉमिस्ट मान को आ विभिन्न सोशल साइंटिस्ट मान को हेल्प ने मान तां को व्यू मगा जाए आ गोपनीयता निश्चय रहिबो जेतले असेंबली रे टेबल होबा पूर्व तो आ कोठी लीक होबनी त सेई गोपनीयता टा रखा जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री पर टॉप लेवल ले हां दिस सर धन्यवाद सर गायत्री साहू हमरो रिसर्च स्कॉलर से जन प्रश्न करछथि जे जदी ओडिसा विभिन्न सेक्टर रे भलो परफॉर्म करूछि ताले ताकु ओडिसा को काहे कि हमें लिस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हिसाब रे हमें ताकु गणना करछथि बा कंपेयर करा होछि नहीं ओडिसा को लिस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रे कंपेयर करा जाउ नाही एटा पूर्वर कन्वेंशनल स्टेटमेंट जे ओडिसा लिस्ट परफॉर्म ओडिसा फिस्कली गुड परफॉर्मर सोशल सेक्टर रे तारो परफॉर्मेंस भलो नाही आ किंतु सेटा फर्स्ट एबे जो स्टडी माने सब करुचंती कि अदर स्टेट रो जेम केबे गोटे कोय गला आम नेशनल पर कैपिटा इनकम आसला 197000 टका आ ओडिसा पर कैपिटा इनकम 150000 टू सम पॉजिटिव आउट के प्लस एतिके आसीना त माने ओडिसा रो जो पर कैपिटा इनकम आ सेंटर रो जो माने नेशनल जो पर कैपिटा इनकम रे धीरे धीरे गोटे कन्वर्जेंस देखिबा को मिलुची माने से सेठी जेतिके राइज करुची एठी हमर अधिक काहे कि ना आम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक कर सारे 1.5-1.6 लिमिट कर सारे आमर जो जीएसटीपी प्रेजेंटेशन रे कही पारे भल प्रश्न टे जीएसटीपी राइज जो सेंटर रो 6.5-6.8% हवा को जाऊँगी तेल एटी ओडिशा रो सेटा मोर देन 8% ग्रोथ रेट हवा को जाऊँगी तेणु 7.82% ग्रोथ रेट तमाने ओडिशा इज राइजिंग फास्टर देन अदर मेजर स्टेट्स से दृष्टि आम परफॉर्मेंस खराब ना तो धीरे 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 किसी वर्ष पर ओडिशा बर्तन लिस्ट स्टेट जो थी बिहार ओडिशा भितर कंपिटिशन पर कैपिटा इनकम मान 6 स्टेट को क्रॉस कर सारे तेणु धीरे धीरे ये कन्वर्जेंस होशा गोटे बैकवर्ड स्टेट हिसाब से बर्तमान गणा जाऊ ना हायर एजुकेशन सेक्टर परफॉर्मेंस बहुत भल अच्छे हेल्थ सेक्टर एडवांसमेंट रही सो आम कहानी लिस्ट परफॉर्मिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट गायत्री जो लिखी स्पेशल कैटेगरी गोटे अलग जिन जो मानते इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर कर ट्राइबल पॉपुलेशन फॉरेस्ट हिल एरिया सो मेनी क्राइटेरिया आर देयर
सो दैट डिमांड ओडिशा बिहार करुछंती दैट इज पॉलिटिकल रीजन सो स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी रे बहुत किसी सिग्निफिकेंस भी नाही केवल ग्रांट्स जोटा रहिछि से जो फाइनेंस कमिशन जोटा दियंते सेही तरह गोटे 90-10, 70-60-40 एही सब शेयरिंग रो कथा रहिछि दैट्स नॉट ए मेजर इशू स्पेशल कैटेगरी जो माने पाइछंती से माने जे बहुत ही एडवांस स्टेट हेइछंती से कथा नहि हां बिजनेस सर मोर गोटे प्रश्न थिला सर वर्तमान मुद्रास्फीति आम देखा सारा देश में टी अधिक अच्छी मुद्रास्फीति समय साधारण तो सरकार बलका बजेट उपस्थापन करस देखा मिली बलका बजेट उपस्थापन किंतु सर आम जी इनक्रिमेंटल आप कहते इनक्रिमेंटल एक्सपेंडिचर हिसाब से आम प्रत्येक बजेट पूर्व बजेट अपेक्षा अधिक खर्च किंतु ए वर्ष बजेट देखा मिलूँ जी पब्लिक एक्सपेंडिचर करा हो तार 60.66% आम केवल वेतन भोगी पेंशन एवं अन्यान्य राजस्व खर्च ये सब जिन अधिक खर्च कराई तो ये सब जिन जो अधिक खर्च पब्लिक एक्सपेंडिचर एत परिमाण में वृद्धि करने द्वारा एवं ये जो विभिन्न योजना गुड़िक मलमाल योजना करी आम प्रत्येक योजन अधिक अधिक माने खर्च करने सरकार जो लक्ष्य रखी द्वारा आहुरी मुद्रास्फीति देखा दिबो नकि परवर्ती समय रे सुंदर प्रश्न टी जे सरकार जेतबेले खर्च बढे दियंती सेतबेले तहा इन्फ्लेशनरी जो टेंडेंसी को बढाए तनो कुहा जाय जे जेतबेले हमरो इन्फ्लेशन अछि सरकार से समय टैक्स बढेबा कथा खर्च बढेबा कथा नै आ एबे मध्ये हमरो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हम देश रे जो रहिछि सेति पय कंटीन्यूअसली रिजर्व बैंक तंकर रिपो रेट को बढे बढे चालचथि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पय रिजर्व बैंक रो टॉलरेंस लेवल लो अधिक रहिछि से समय रे सरकार जदि खर्च अधिक कर दियंती ताले मॉनेटरी पॉलिसी जोटा प्रपोज करूछि ये ताकु डिस्पोज कर दबो तनो सेटा भी ठीक कथा नहि किंतु कथा होछि सरकार कर खर्च जदि इंफ्रास्ट्रक्चर रे हुए ऑटोनॉमस स्पेंडिंग हुए केवल ट्रांसफर रे लिमिटेड न रुहे आमर सरकार गोटे बड़ योजना चली जाऊँ मानते ट्रांसफर पेमेंट रे इवन आम कालिया स्कीम को एते अप्रिशिएट करूछंती माने भाग्य माने भलो एथर सरकार जेती की गला थर अलर्ट करथले एबे एक्जेक्टली सेती की 4-5 कोटी टका अधिक करछंती बेसी करनांती नहले एटा गोटे प्रकार ट्रांसफर सीधा सळख होउछि आ इकोनॉमिक थ्योरी आबे जेती की जहा पढंती सेतरे कह जाय छि कि ट्रांसफर पेमेंट गुडी को बेसी प्रोडक्टिव न थाय तन तार जो मल्टीप्लायर इफेक्ट रहुछि गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर थरु सेटा कम रहे इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक थरु रहुछि सरकार जदि एजेंसी रास्ता घाट पोर्ट रेलवे ए सब गुडा तयारी करते ताले कैपेसिटी एक्सपेंशन हे जीवो आ सेतरे प्राइवेट फर्म माने आसीबे अधिक से जिंस सब हबो आ सरकार जदि टंकिकिया चावल ए सब रे अधिक अधिक खर्च करे गोटे दृष्टि रु वेलफेयर मोटिव जदि अचीव करे तृतीय दृष्टि रु जदि अनेक पक्ष रे देखिबा ताले से प्राइवेट सेक्टर संगरे कंपीट करिवो प्राइवेट सेक्टर कंपीट करले प्राइवेट कैपिटल विथड्रॉ हे जीवो तनु तबो क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोली आमे कहू छथि ये सबरो भय रहिछि तनु ए बजेट रे आमे गोटी अप्रिशिएट करिवा कि 34% हाइक करै छथि की सेक्टर रे सो सेति पय आमे स्वागत करिवा धन्यवाद सर मोर आ गोटे लास्ट प्रश्न थिला सर प्रोफेसर बीके मस्पित प्रोफेसर बीके मिश्र गोटे प्रश्न पचारै को चाहुथरे ताकू सुजोग देले भलो हो बढ़िया बहुत एक्सप्लेन करले हमें बहुत नया जिंस जानिलु भी केमती बजेट तैयारी बे आपनकर इंफ्रास्ट्रक्चर रे रिकरिंग नॉन रिकरिंग देखंती की सेमती किछ रही छी हां सर से सब सेक्टर सर से दीटा क्लासिफिकेशन रही छी जो गुडा रिकरिंग रहू छी से गुडा नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे क्लासिफाई हे जान आ जो गुडा लमसम टाइप रो हुए से गुडा को हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बोली कोंती तनु कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपोनेंट बेसी मीनिंगफुल थाय किंतु आपण जो कथा कहिले रिकरिंग नॉन रिकरिंग रो क्लासिफिकेशन सब बेले पब्लिक फाइनेंस लिटरेचर रे रहे बजेट क्लासिफिकेशन ले सिटा रहे आ ता पर भी बहुत बड़ा डिबेट अछि जेमति विश्वेश से प्रश्न करथले कि 66% एक्सपेंडिचर हमर हे जाउ छि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हां ओडिसा क्षेत्र रे ओडिसा कैपिटल एक्सपेंडिचर रे फिस्कल परफॉर्मर हिसाब रे और प्रथम माने शो करिया पई से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढेला समय रे से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करथला एवं एपर्यंत किंतु सेटा चलीछि त ये गोटे नुआ इशू हम आगर देखा जाउछि जे स्कूल तैयारी होछि किंतु टीचर नांती हॉस्पिटल तैयारी होछि किंतु सेटी डॉक्टर नांती सपोर्ट स्टाफ नांती त रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होछि से डॉक्टर पई जो खर्च करबे जोटा अपन रिकरिंग कहउछथि एटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सो दैट इज आल्सो इक्वली इंपोर्टेंट किंतु ये नुआ गोटे ओडिसा रो डेवलपमेंट इशू एठी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढेबा ना रे जोटा एसेंशियल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ताकू कॉम्प्रोमाइज करिछथि
थैंक्स धन्यवाद सर आ गोटे सर मोर लास्ट प्रश्न थी जे आम बजेट उपस्थापन हेबा परे आमर जो विरोधी दल गुड़िक सब प्रश्न रखुचंती जे सरकार एते जो परिमाण रे बजेट वृद्धि करिसंती विगत वर्ष देखा मिली है बजेट रेक परिमाण जी लक्ष्य रखी थे से खर्च कर पारि ना तो ये वर्ष जो एत परिमाण में पुणी 15% अधिक वृद्धि कर तो इज इट प्रैक्टिकेबल सर ये वन्स अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस कि सरकार ये राज्य कथा केवल नुहे केन्द्र में से कथा देखा मिलूँ से जी कथा आमको कहते बजेट रे माइलेज भी नहीं जाऊँगी जितेबाला एस्टिमेट आस मैंने एक्चुअल एक्सपेंडिचर दूरा जो आसूस ये बजेट एस्टिमेट देते या रिवाइज एस्टिमेट आसो एक्चुअल आसो से एक्चुअल जो आम देखुं गोटे ह्यूज गल्फ रोचे से खर्च से करना तेणु सब बड़े बजेट को जी आम देखुं आम फास्ट इयर आउटकम बजेट को भी देखीदे दरकार जी प्रतिश्रुति से कले तेणु से गोटे बहुत ही भल अबजरभेसन सरकार जब से न करें तो आम ये बजेट हाइप बेस जी कथा नुह बहुत बहुत धन्यवाद सर आम प्रश्न उत्तर कार्यक्रम ये समाप्त करवा बर्तमान मु अनुरोध करी आम संपादक डॉक्टर पुरुषोत्तम साहू सर को से अंतिम टिप्पणी रखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेटा आमो ओडिशा सरकार हटे देबे आओ बीएसकेवाई गोटे स्कीम करिवारो प्लान सेटा पेपर रे भी दैतिला आओ बजेट परे बजेट रे पुणी से पीएमए बय को नै कि 600 कोटी रो सेटा बजेट रखछन्ति से ऊपर किछि सूचना आछि कि कोन करिवे ता ऊपर मो पाखरे अपडेट इन्फॉर्मेशन नाही ओडिशा सरकार ताकु हटे देबे बोली फसल बीमा योजना विषय रे तेणु मो विशफुल रिमार्क उपरे किछि स्टेटमेंट दबा ठीक हबो नाही मो पाखरे इन्फॉर्मेशन नाही जेमती आमर स्वास्थ्य बीमा योजना केन्द्र सरकार जोटा कले ताकु ओडिशा लागू कले नाही ओडिशा किछि नुवा प्रोडक्ट दबा को चाहेले आ ताकु इकोनोमिस्ट महल रे अप्रिशिएट करा जाय नथिला काहे केमती कले तेणु जदि एमती करथु सरकार चिंता करूछन्ती करबा पई जदि करंती ताहले ता मध्ये गोटे उचित पदक्षेप हबो नाही बोली मोर व्यक्तिगत मत धन्यवाद सर समय तो अतिक्रांत है आज आम आलोचक प्रोफेसर चित्तरंजन नायक एक सुचारू रूपे बजेट को आलोचना करोचना कर बहुत गुड प्रश्न भी एवं बजेट रो विभिन्न प्रमुख अंश उपर से कही वित्तीय परिचालना और बजेट पुनर्गठन एफआरबीएम एक्ट जीडीपी एवं मुख्यतः जो थिला किभली भावे जन साधारण लोक बजेट को बुझिपार एवं ताद्वारा किभली राज्यर उन्नति हो पार जहाँकि बजेट्रे गुरुत्व दि जाएगी किसी क्षेत्र प्रति स्वास्थ्य गमनागमन एवं किसी क्षेत्र को पूर्व तुलना कम दि जाएगी तेणु मोटामोटी कह सर जो उपस्थापन थिला अति उच्चकोटी थिला समस्त बुझा भली थिला तेणु मु सर को विशेष धन्यवाद प्रदान एवं आजर यह कार्यक्रम बहु संख्यार छात्र बंधु एवं आमर विभिन्न जिलार आज निश्चित भाव आम ज्ञान बृद्धि सहायता होती है बजेट किपर भाव प्रस्तुति हुए किपर परिचालना हुए ताम राज्य प्रगति में निश्चित भाव सहायक हो संभव हो पड़ी जहाँकि सार कहले गोटे वार्ड 2005-06 एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट सारा राज्य सारा देश में सुनाम अर्जन कर किसी क्षेत्र में आम एवं तले अच्छु जहाँकि स्वास्थ्य मान पर्टिकुलरली सोशल सेक्टर तेनाली कहबी जे निश्चित भाव आम संगठन स्वामी विवेकानंद लोक संसद आमर जो किसी प्रयास रही गुंडी मुचार सहायता ही जब आम सामाजिक क्षेत्र में साय कर सोशल सेक्टर में तालोले आम निश्चित भाव आम लक्ष्य को आम हासिल करके कह मो वक्तव्य समापन करोध कर विशेषकर कार्यक्रम का आगू नाप धन्यवाद पुरुषोत्तम सर
वर्तमान मु अनुरोध करी पूजारणी सुश्री पूजारणी प्रधान को से धन्यवाद अर्पण करी। धन्यवाद सर। निहाती भावरे स्वामी विवेकानंद लोक संसद आनुकूल्य आज आयोजित एही सभारे बा 28तम गंजाम जिला शाखार 28तम ई पाठ्यचक्र रे जे रोमांचक विषयटी निया जायतिला निहाती भावरे ताहा अनेक तथ्य आम मानक निकट रे उपस्थापन कला। वर्तमान कार्यक्रम को आगे नेबा अर्थात धन्यवाद पर्वर समय मु प्रारंभिक भाग रे धन्यवाद तथा कृतज्ञता अर्पण करबा को चाहिबी अति सुंदर भावरे आजर कार्यक्रम रो संयोजना दायित्व ग्रहण करथिबा श्रीयुक्त विशेषर महापात्र महोदय को। तत्पर मु धन्यवाद अर्पण करने को चाहिए मंत्र पाठ कर श्रीयुक्त सुशांत कुमार पंडा महोदय को जे कि निजर मंत्र मुग्ध मंत्र पाठ माध्यम रे कार्यक्रम एक आध्यात्मिक प्रारंभ करथिले। तत्पर मु धन्यवाद अर्पण करने को चाहिए भाई मनमोहन पुलाई महोदय को जे कि आज विवेक पाणी पठन करथिले। तत्पर मु धन्यवाद अर्पण करने को चाहिए आज कार्यक्रम पौरोहित दायित्व ग्रहण कर स्वामी विवेकानंद लोक संसद संपादक डॉक्टर पुरुषोत्तम साहू महोदय को तथा आज विशेष आकर्षण आज सभार विशेष आकर्षण डॉक्टर प्रोफेसर चित्तरंजन नायक महोदय को आपण को प्रथम अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना आपणकर चाकरी क्षेत्र में पदोन्नति निम्ते एवं निहाति भाव अतीतर पृष्ठ सह सांप्रतिक परिस्थिति को नहीं सांप्रतिक आर्थिक परिस्थिति को नहीं ओडिशा विषय में आपण जो तुलनात्मक बरणी तथा पुंगानुपुख तथ्य प्रदान कले निहाति भाव में ताहा आम युववर्ग उद्देश्यमुखी हे तेणु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। तत्पर मु धन्यवाद अर्पण करने को चाहिए निज व्यस्तबहुल जीवन रु किंचित समय आज आलोचन जोग देवाई जो श्रोता वर्ग एग देते धन्यवाद। तो श्री पूजारानी प्रधान सुंदर भाव धन्यवाद अर्पण कर बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आम सभा कार्य शेष पर्यायर पहुंची सारी वर्तमान मु शांति पाठ कर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमा भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।